चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन करवाया था। डिफरेंस बिटवीन के अंदर चार मेन पॉइंट आपको दिए हुए थे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, दूसरा एक्सपेक्टेशन, तीसरा टाइप और चौथा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये चार टाइप ऑलरेडी हमने की थी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैंने आपको करवाया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैंने बेटा डायरेक्टली जो मेन पॉइंट है वही लिखा हुआ है। सबसे पहले जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है बिजनेस के बारे में, वो ये लिखा होगा, द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी। इट मींस जो भी बिजनेसमैन है वो अपने वर्क के अंदर थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द बिजनेस प्लानिंग वो अपने वर्क के अंदर एंगेज रहेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। आप में से किसी के पापा या मम्मी बिजनेस के अंदर होंगे तो आप देखते होंगे कि संडे को भी उनका यानी कॉल आते रहते हैं, बिजनेस चालू ही रहते हैं। इट मींस कभी उनका बिजनेस स्टॉप होता नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटे? प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस की आपको वहां पर बोल्ड लेटर्स के अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई होगी। बिजनेस मींस एनी लीगल एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक लीगल एक्टिविटी है विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। यानी उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। Such thing is known as business. Textbook के अंदर ये meaning आप लोगों को दिया हुआ भी है। Clear है बेटा? अगर आप लोगों को कोई भी doubt है तो आप मुझे message करके पूछ सकते हो after lecture. अभी characteristics of business. Business के क्या क्या characteristics है? तो पहला आपको क्या दिया हुआ है? Objective of profit. पहला क्या है? Objective of profit. कोई भी person, कोई भी type का business open करेगा तो उसका primary objective, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे प्रॉफिट मिले। मुझे क्या मिले? प्रॉफिट मिले। अब बेटा प्रॉफिट कब मिलेगा तो मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, जैसे एमसी यानी क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एमसी यानी क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी बनाने का प्राइस। मान लो बनाने का प्राइस 8 रुपए का है, 8 रुपए में आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया है। और एससी यानी सेलिंग कॉस्ट, आपके प्रोडक्ट की 10 रुपए है, तो जो 2 रुपए है वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आया बेटा आप लोगों को पता चला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट कैसे हुआ? यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वो हम कैसे अर्न करेंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी और सेल्स प्राइस ज्यादा होगी तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड आपको दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। अब बेटा आपने प्रोडक्शन कर दिया लेकिन वो गुड्स को आपने अभी तक मार्केट में सेल ही नहीं किया है। अगर सेल नहीं किया तो इज इट पॉसिबल कि हम लोगों को प्रॉफिट अर्न होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिटर्न के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड आपको दिया हुआ है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब बेटा ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी यानी होता क्या है? बेसिकली 2 टाइप के रिस्क होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के रिस्क होते हैं। एक होता है मैनमेड और दूसरा होता है नेचर। 2 टाइप के रिस्क होते हैं, मैनमेड रिस्क एंड नेचुरल रिस्क। दोनों का मैं एक एक एग्जांपल लूंगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। मान लो कि आपका बिजनेस है 1 करोड़ रुपीज का, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 1 करोड़ रुपए की आपकी फैक्ट्री है। सामने से फ्लड आ रहा है। इज इट पॉसिबल कि आप ऐसे वो टाइटेनिक के जैसे ऐसे खड़े हो जाओगे तो वो सुनामी रुक जाएगा या जो फ्लड आ रहा है वो रुक जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो वो कौन से रिस्क हुई? नेचुरल रिस्क, जो अपने बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। सेकंड दिया हुआ है मैनमेड रिस्क। अब मैनमेड रिस्क के अंदर बेटा मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे किसी कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, आपके वहां पर चोरी हो गई, आपकी कंपनी में आग लग जाती है। ये सारा किस टाइप का रिस्क होता है? मैनमेड रिस्क होता है, जो अपने बिजनेस को अफेक्ट करता है, यानी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी को बेटा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी होता क्या है? हमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स के अंदर।
हमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स के अंदर, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसको कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर है? अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्री टाइप्स की है, फॉर्म बेस, प्लेस बेस एंड टाइम बेस। फॉर्म बेस यानी मान लो बेटा कि आप टी स्टॉल पे गए हो, आपने जो ओनर है, जो मालिक है, टी ओनर जो है, आपने उसको बोला, ऑर्डर दिया है कि प्लीज गिव मी वन कप ऑफ टी। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक चाय है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक चाय है। इज इट पॉसिबल बेटा कि वो आपको एक तपेला ला के दे दे, यानी वो वैसल ला के दे दे, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी दे दे, एक ग्लास में थोड़ा सा दूध दे दे, एक छोटे से प्लेट के अंदर आप लोगों को शुगर, जिंजर और चाय पत्ती वो सब दे दे और बोले सब आप ये सारा खा लो, फिर ये वैसल पे बैठ जाओ, तो मैं आपको गैस पे रख दो। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये शर्ट, शर्ट का रॉ मटेरियल का पीस आता है, क्या मैं वो पीस पहन के स्कूल आ सकता हूँ? नहीं आ सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा शर्ट के फॉर्म के अंदर। आया समझ में बेटा? फॉर्म बेस। सेकेंड दिया हुआ है प्लेस बेस। उसके अंदर मान लो कोई जंगल है, जंगल में एक ट्री है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हाँ एक्चुअली ये एक ट्री है, अभी इसका जो ये वुड है, इसकी रिक्वायरमेंट वहां पर फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, और फॉरेस्ट के अंदर चलो मान लो कि ये जाट स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसके ऊपर बर्ड्स और वो सब रहते होंगे। लेकिन अगर ये झाड़ मान लो गिर गया है, टूट गया है, तो इसकी रिक्वायरमेंट अब वहां पर नहीं है वैसे देखने जाए तो हम क्या करेंगे, वो ट्री को वहां से लेके सिटी एरिया के अंदर लेके आएंगे और उससे हम फर्नीचर बनाएंगे और फर्नीचर बना के सेल करेंगे। मैंने क्या कर दिया बेटा, उसकी प्लेस चेंज कर दी, फॉरेस्ट से सिटी एरिया में लाया, सिटी एरिया से फर्नीचर बनाया और फर्नीचर बना के सेल कर दिया। ये होता है प्लेस बेस्ड यूटिलिटी। थर्ड उसमें आप लोगों को दिया हुआ है टाइम बेस्ड यूटिलिटी। बेटा कोई भी बिजनेस ओपन करो, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। आप क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें कई बार आपको आपने सुना होगा कि कमेंटेटर बोलते होंगे व्हाट अ ग्रेट टाइमिंग बाय विराट कोहली। टाइमिंग यानी यही होता है कि बिजनेस के अंदर अगर आपने प्रॉपर टाइमिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया होगा, ऑटोमेटिकली बेटा आपका बिजनेस सक्सेस करने ही वाला है। नेक्स्ट बेटा आपको दिया हुआ है कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस कैसी एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है। आज मैंने बिजनेस चालू किया, कल मैंने बिजनेस बंद कर दिया, परसों इच्छा हुई वापस चालू करूं, वापस चालू किया, वापस बंद कर दिया, ऐसे नहीं होता है बिजनेस। बिजनेस एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होता है। जैसे बिजनेस आप रन करते हो, जैसे जैसे धीरे धीरे आपका बिजनेस मार्केट के अंदर डेवलप करता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, आपकी गुडविल इंक्रीज होती है, आपकी प्रेस्टीज इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। बेटा जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, तब से लेके जब तक बिजनेस का एंड नहीं होता, तब तक बिजनेस के अंदर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ भी होगा रिक्वायरमेंट ऑफ मनी के अंदर, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड मनी इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। अब बेटा ये सारों में हमने पैसों की बात की है ना, पैसा यानी अगर गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, यानी प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऑटोमेटिकली इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन में अपने ने देखा था कि जहां पर भी मॉनेटरी गेन होता है, मॉनेटरी इनकम का गेन होता है, इकोनॉमिक गेन होता है, सच एन एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस के अंदर भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ये देखो प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो ये अपनी क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। क्लियर है बेटा? अब सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है, किस पर्पस के लिए आप बिजनेस ओपन करते हो। तो दो मेन पर्पस है, पहला पर्पस है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा पर्पस है सोशल एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पहला और मेन फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, कि हम बिजनेस एस्टेब्लिश करें और उससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रॉफिट अर्न करें। सेकंड है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ।
बेटा मैंने मैक्स लिख के डॉट किया हुआ है, आपको एग्जाम के अंदर पूरा लिखना है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कैसे पॉसिबल होगा? तो मैंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया, मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वो 1 करोड़ के प्रॉफिट में से मैंने 50 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा, बाकी 50 लाख रुपए जो रिमेनिंग रहा मैंने 2 करोड़ और 3 करोड़ का बंगलो परचेज कर लिया, जहां पे 50 लाख का डिपॉजिट कर दिया, बाकी की लोन अमाउंट मैंने करवा दी। धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा वो बंगलो हो जाएगा, कार परचेज कर लूंगा, वेरियस लग्जूरियस थिंग्स में परचेज करूंगा, इससे क्या होगा मेरी वेल्थ भी इंक्रीज होगी। लास्ट स्टेप को दिया हुआ है अदर एक्टिविटीज। अब अदर एक्टिविटीज में बेटा मान लो मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, तो प्रॉफिट अर्न करूंगा तो सबसे पहले डेवलपमेंट होगा, मेरे खुद का डेवलपमेंट होगा, मेरे बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। अगर बिजनेस का डेवलपमेंट होगा तो आप क्या करोगे, बिजनेस को एक्सपांशन करोगे, यानी एक्सपांड कर दोगे बिजनेस को। यानी जैसे मान लो 2 मशीन थी, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आप क्या कर दोगे, 3 मशीन परचेज कर लोगे, ठीक है, उससे बिजनेस का ग्रोथ पॉसिबल होगा। अब ग्रोथ के बाद में टेक्नोलॉजी आपको दिया हुआ है, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो ये देखो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है, आप बहुत सारा गुड्स सेल करोगे, आप अगर बहुत सारा गुड्स सेल करोगे तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, और अगर बहुत सारा प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ भी पॉसिबल होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है सोशल। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला दिया हुआ है सोशल ऑब्जेक्टिव, या बेटा वहां पे लिखा होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखा है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक्चुअली बिजनेस इज एन डिपेंडेंट एक्टिविटी, डिपेंडेंट एक्टिविटी, हाँ ध्यान से सुनना, बिजनेस एक डिपेंडेंट एक्टिविटी है। वो कैसे? मान लो कि मेरा बिजनेस है, मैंने ये मार्कर पेन बनाई है, 2 मार्कर पेन बनाई है, अब मुझे ये सेल करना है। आप बायर हो, आप खरीदने वाले पर्सन हो, अगर मैं आपको चीट करूंगा तो क्या आप नेक्स्ट टाइम मेरे प्रोडक्ट को परचेस करोगे? नहीं करोगे। तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मैं आपको ये गुड्स अच्छा सा प्रोवाइड करूं। सेकेंडली कि मान लो कि आप क्रेडिटर हो मेरे कंपनी के, आप मुझे गुड्स उधार पर दे रहे हो, तो टाइम टू टाइम मुझे क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। अगर मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या बाद में आप मुझे गुड्स उधार पर दोगे? नहीं दोगे। आप गवर्नमेंट हो, मान लो मैं प्रॉपर टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा हूं, क्या आप मुझे बिजनेस रन करने के लिए अलाउ करोगे? नहीं करोगे। तो ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है और बिजनेस को प्रॉपरली रन करना है। सेकेंड थिंग बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। एज एंड वेन यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जो मैंने ये बोला ना एक्सपांशन, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो बिजनेस का एक्सपांशन होगा। मान लो मेरे पास 2 मशीन थी, तब मैं 50 एम्प्लॉइज से वर्क कर रहा था, यानी पर मशीन 25 एम्प्लॉइज थे। अब मेरे पास 3 मशीन है तो मेरे को कितने एम्प्लॉइज चाहिएंगे? 75, यानी एक्स्ट्रा 25 लोगों को मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। ये होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस एक्सपांड हुआ तो एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस मुझे क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट यानी रिक्रूटमेंट करना चाहिए एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट दिया है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट, क्वालिटी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर उसे कंज्यूम करेगा और अपने प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली मार्केटिंग भी हो जाएगी। वही पर्सन बाहर जाके क्या बोलेगा कि भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यही प्रोडक्ट परचेज करो। आया समझ में बेटा? तो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें मेथड्स बना देना है, स्टैंडर्ड सेट कर देना है, किस तरह से कैसे प्रोडक्शन करना है और किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब बेटा कई कंपनीज ऐसी है जो एडवर्टाइजमेंट करती है टीवी के ऊपर, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी मार्केट के अंदर क्रिएट करती है, तो वो कंपनीज को नहीं करना है। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी का मतलब ये होता है गुड्स होने के बावजूद भी वो गुड्स को मार्केट में सेल नहीं करते,
और अगर वो मार्केट में सेल नहीं करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी फिर ये लोग क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा के गुड्स को मार्केट के अंदर सेल करेंगे। तो ये गलत चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर एडवर्टाइजमेंट का भी टॉपिक आता है बेटा। अब एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक थम्सअप का एडवर्टाइजमेंट की मैं आपको बात करता हूं। आपने रणबीर सिंह का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, या फिर वो ऋतिक रोशन का माउंटेन ड्यू का। यस, लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट मैं आपको बताता हूं। लेटेस्ट एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात अगर हो रही है तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। कैसा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट? आपने देखा होगा ऋतिक रोशन यहां पर बाइक लेके खड़ा होता है, वो बोलता है डर के आगे जीत है, और यहां से जंप करके सीधा यहां पर आ जाता है। मैं करूं बेटा ऐसा? हो जाएगा मुझसे भी? पॉसिबल नहीं है बेटा। वो स्टंट एनिमेटेड होता है। हमें समझना चाहिए, कंपनी को भी समझना चाहिए कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट वो मार्केट के अंदर रिलीज ना करे कि अगर कोई कस्टमर वैसा ट्राई करने गया और उसकी डेथ हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एक्चुअली आप वो एडवर्टाइजमेंट के नीचे देखना, ऐसे स्टार करके बहुत छोटे छोटे वर्डिंग्स में लिखा हुआ होता है कि ये जो स्टंट है वो घर पे करने का नहीं है, ये एनिमेटेड स्टंट है, ये किसी एक्सपर्ट पर्सन ने किया है, तो ऐसा पूरा लिखा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो गलत चीज है। लास्ट दिया हुआ है अदर ऑब्जेक्टिव। अब अदर ऑब्जेक्टिव में बेटा, उसमें फर्स्ट पॉइंट आपको आइडेंटिटी दी हुई है। मान लो डेरी मिल्क है, मुझे चॉकलेट का बिजनेस चालू करना है, मैंने कैरी बेरी करके मेरी कंपनी बनाई है। कौन सी? कैरी बेरी करके। मुझे मार्केट के अंदर ये सारी चीजें मिल गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं फुलफिल कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा हूं, अच्छी क्वालिटी भी दे रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट भी मैं सही दे रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे बिजनेस की मार्केट के अंदर एक आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी एक गुडविल बन जाएगी, एक प्रेस्टीज बन जाएगी कि भाई वाह ये कंपनी कैडबरी की चॉकलेट्स, वाह बहुत मस्त आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तू तो खाके तो देख एक बार फिर पता चलेगा। इस तरह से हमें क्या करना है, अपनी खुद की ओन आइडेंटिटी बनानी है। उसके बाद बेटा सेकेंड, रिसर्च। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बना के फिर वो बैठ जाती है, वो रिसर्च करते रहती है। जैसे पहले के जमाने में कीपैड फोन थे, अभी स्मार्टफोन्स आ गए, तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है, लोगों की डिमांड भी चेंज होते जा रही है, तो हमें मार्केट के अंदर रिसर्च करते रहना है। नेक्स्ट दिया हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बेटा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा, वेल्थ बढ़ेगी, ये सारा होगा, तो एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री और बिजनेसमैन ऑफ दिस कंट्री, मुझे क्या करना है, अपने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी पार्ट लेना है, ठीक है। और लास्ट आपको दिया हुआ है इंसेंटिव्स। मेरा बिजनेस मेरे एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करता है, जो लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर मैं उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करूंगा, जैसे मान लो 100 यूनिट अगर वो बना रहा है तो मैंने कहा हुआ है कि अगर आप 100 यूनिट बनाओगे तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, अगर 100 यूनिट बनाओगे तो 1000 रुपए दूंगा, और अगर 101 यूनिट बनाओगे, यानी 1 यूनिट अगर एक्स्ट्रा बनाते हो तो उसके ऊपर मैं 50 रुपीज आपको एक्स्ट्रा दूंगा, तो वो पर्सन मान लो कि 2 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा है तो ऑटोमेटिकली मुझे उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1100 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, वो मैक्सिमम यूनिट बनाएगा। अगर वो मैक्सिमम यूनिट बनाएगा, बट ऑब्वियस है कि मैं सेल ज्यादा करूंगा, अगर मैं सेल ज्यादा करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये इंसेंटिव होता है कि एम्प्लॉयज को हमें इंसेंटिव प्रोवाइड करना है। बेटा अगर इतने में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, या फिर ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना। ये सारा आपको रिटर्न करना है, बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटा। थैंक यू।